संभल में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़, भारी मात्रा में बन रहे थे अवैध हथियार। यूपी के जिला संभल में पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद और अपर पुलिस अधीक्षक आलोक जायसवाल के निर्देश के बाद अवैध शस्त्रों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें मुखबिर की सूचना पर ग्राम हरपरी के जंगल में बंद पड़ी मेंथा फैक्ट्री अवैध शस्त्रों को बनाते हुए एक युवक गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 13 शस्त्र, 7 कारतूस और 1 खोखा बरामद किया गया। अभियुक्त काफी समय से अवैध शस्त्र बना रहा था और साल 2018 में भी अवैध शस्त्र बनाने के चलते जेल जा चुका है। ये जनपद संभल में अवैध शस्त्रों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज दो फैक्ट्री दोनों थाना क्षेत्रों में, एक संभल थाना क्षेत्र में, एक घणारी थाना क्षेत्र में पकड़ी गई है, जिसमें लगातार तमंचे बनाकर उसको बेचा जा रहा था, जिसका प्रयोग अवैध गतिविधियों में किया जा रहा था, जिससे कि किसी की लूट, हत्या और पंचायत चुनाव में आने वाले दृष्टिगत रखते हुए ये सप्लाई हो रही थी। इसको रोकने के लिए ही अभियान चलाया गया है और इसमें गांव आदमपुर रोड अशोक आर्य के बाग के पास से संभल में अपराधी पकड़े गए हैं, जिसमें ये दानिश जो अपराधी था वो सब फैक्ट्री चलाता था। वह अवैध तमंचे बना करके 12 बोर के तमंचे 4000 रुपये में और 315 बोर के तमंचे 5000 रुपये में बेचता था। लगातार इस तरीके से क्षेत्र में ये सप्लाई करते थे ऑन डिमांड। इसी तरीके से धनारी थाना क्षेत्र में ग्राम हरपरी के जंगल से अभी सुरेश को पकड़ा गया है, वो भी बंदूक 5000 रुपये से 10000 रुपये के बीच में और तमंचे 2000 से 4000 रुपये के बीच में बना करके लोगों को ऑन डिमांड सप्लाई करते थे। ये लगभग 21 बने और 7 अधबने और पूरी तमंचा फैक्ट्री बनाने की औजार के साथ पकड़े गए हैं। इन सभी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है, अभी इनको जेल भेजा जा रहा है।